सर जिस तरीके से कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, कल्याण सिंह जी का जो निधन हुआ एक अपूर्णीय क्षति है देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है। कि ईमानदार थे, कर्मठ थे, पारदर्शिता इनका काम था, पक्ष विपक्ष सबको बराबर का दर्जा देते थे, और एक महान नेता हम लोगों के बीच से चला गया, ये राजनीति के लिए बड़ा दुखदायी समय। मतभेद कभी नहीं रहा, मनभेद कभी नहीं रहा। लोगों का अपनी पार्टियों की राजनीति कार्यक्रम तो अलग होते हैं, लेकिन कल्याण सिंह सबको समेट के लिए चलने वाले आदमी थे और वचन के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अपने कामों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक साथ एक मंच पर आए, बहुत बढ़िया जोड़ी बैठी, दोनों लोग एक ही सिद्धांत के मानने वाले थे, भले पार्टी दूसरी हो। तो नेताजी इनका बड़ा सम्मान भी करते थे, नेताजी से ये बड़े थे और हमसे भी 77 से ही इनका व्यक्तिगत संबंध था। जब लंबे समय से आप जो स्वास्थ्य मंत्री थे 77 में, तब से मेरे बहुत बढ़िया संबंध थे हमसे और अंत तक रहे। जो हम कहें जो खालीपन आया वो भरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ऐसे नेता कहाँ पैदा होंगे। अब पूरे उत्तर प्रदेश में इस पीढ़ी के नेता एक मुलायम सिंह यादव बचे। कल्याण सिंह का जाना राजनीति के लिए दुखद घटना। देखिए बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल्याण सिंह का जाना राजनीति के लिए बहुत दुखद है। हमारे साथ विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी। सर जिस तरीके से कल्याण सिंह बाबू जी का निधन हुआ एक अपूर्णीय क्षति है देश के लिए, प्रदेश के लिए और करोड़ों राम भक्तों के लिए। सबके लिए अपूर्णीय क्षति है और राजनीति में भी बहुत बड़ी रिक्तता आई है माननीय कल्याण सिंह जी के निधन से। वो करोड़ों लोगों के हृदय में बैठते थे, करोड़ों लोग उनको स्नेह करते थे और वो सबको आशीर्वाद देते थे, और इस तरह के नेता अब इस युग में पैदा हों यही ईश्वर से कामना है कि इस प्रकार के नेता और आगे आए। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, हम आपको तस्वीरें आगे दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो पार्थिव शरीर है जो अंतिम यात्रा पर निकले हैं, अब वो अभी पार्थिव शरीर कहाँ पहुँचा और अंतिम यात्रा ये कहाँ तक पहुँची, आपको सामने अगर दिखाएं तो सामने ही बीजेपी मुख्यालय है और वहाँ पर अब जो है वो पार्थिव शरीर फिलहाल पहुँचा हुआ है, और इधर आप देखिए तमाम जो अफसर हैं वो अब वहीं पहुँच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय, और चूँकि वहाँ पर भी अब तकरीबन आधे घंटे तक पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, वो वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ अपने नेता को, अपने प्रिय बाबूजी को वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद यहीं इसी रास्ते से जो सामने आपको सड़क दिख रही है, ये विधानसभा के ठीक सामने की जो सड़क है, इसी सड़क से चारबाग, बर्लिंगटन चौराहा होते हुए ये जो हम कहें तो पार्थिव शरीर जो अंतिम यात्रा है वो सीधे पहुंचेगी एयरपोर्ट पर, एयर एम्बुलेंस के जरिए सीधे अलीगढ़ पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। जी